जो एक्सरसाइज है फिजिकल पार्ट जो नई साइंस को डेवलप किया है जिसमें ये उस एक नई उभर करके अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है उसमें लग जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में सफलता तभी होती है जब लगातार कंटिन्यू मेंटल स्टेमिना है उसको ऐसा न्यूट्रिटिव वैल्यू दे चाहे आपकी प्रैक्टिस या अपॉर्चुनिटी हो। इसके स्थापना के शुरुआत से ही जो फर्स्ट ईयर 2012 था ऑल इंडिया बिना नीति आपने कैसे ये ले लिया क्योंकि जो हमने कहा हमने इसलिए ले लिया कि जो हमारे बेस्ट ये बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हुई। जब हम AIU में गए थे ऑलिंपिक काउंसिल में तो उन्होंने पूछा सर आपने बेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज की हमने कहा तो इसलिए हमने न्यूट्रल गेम कहा अगर अपनी टीम होती तो स्पोर्ट्स जो हम कहते हैं साइकोलॉजी वो कबड्डी कल से उसका शुरुआत होगी 450 शुरुआत हुई है क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर भी एक महीने से टीम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए चाहे कुछ भी खर्च करना पड़े मैच करा जाइए जो भी है फिटनेस तैयार करिए जैसा भी करना पिछले दो महीने से उसकी तैयारी चल रही है जो फीडबैक मिल रही है वो बहुत अच्छी अभी तैयारी है और उम्मीद है कि उनकी अच्छी सफलता हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर की उसमें जो है प्रदर्शित होगी। सेमिनार सबसे जरूरी एक प्लेटफॉर्म ऐसा देता है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि जगह जगह किस तरह की रिसर्च हो रही है और उसको हम अपने जो स्टडीज हैं या अपनी जो हमारी कोचिंग है सिर्फ ये साइकोलॉजी एथलीट्स के लिए ही नहीं बल्कि कोच के लिए भी है कि कौन सी इस तरह की टेक्निक अपनाएं जिससे कि जो मानसिक प्रभाव या दबाव एथलीट्स के ऊपर आते हैं या कोच के ऊपर आते हैं ऐसी परिस्थितियों में उनमें कैसे वो अडिग रहे। मैडम संगोष्ठी है राष्ट्रीय किस तरीके से इसमें चर्चाएं होंगी और खिलाड़ियों को क्या फायदा इसमें मिलेगा? नहीं ये राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सेमिनार है और इसे मानसिक रूप से हम कैसे खिलाड़ियों को तैयार करते हैं विशेष कर पे उस पर हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और इसमें देश के विभिन्न जगहों से रिसर्च पेपर जो बनाए हैं इसी पे जो रिसर्च किए हैं साइकोलॉजी के ऊपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर वो यहाँ पे अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे। क्या है कि हम उनको तो फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रांग कर देते हैं किंतु मानसिक रूप से हम उनको खेलने के लिए तैयार नहीं कर पाते। कई बार पहले ही टेरर हो जाएगा इतनी अच्छी जगह में हम जा रहे हो कैसे खेलेंगे कोई सामने वाली टीम अच्छी है कोई बोल दिया तो भी हम डर जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन सब चीज़ों को खिलाड़ी समझ ले कि सामने वाला क्या कह रहा है क्या स्ट्रेटेजी है और अपने मानसिक रूप से वो तैयार हो जाता है उसके बाद वो किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करता है। ये कहाँ कहाँ से अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो आए हुए हैं पेपर प्रेजेंटर ये सब कहीं ना कहीं कार्यरत हैं कॉलेज में स्कूल में और क्षेत्रों में जैसे कि सेंटर वगैरह में भी है और सब इन्होंने रिसर्च किया हुआ है कहीं ना कहीं कुछ लड़कों को लेके तो वो अलग अलग लड़के अलग अलग जगह जो रिसर्च किए हैं वो यहाँ पढ़ के बताएंगे रिसर्च पेपर अपना प्रस्तुत करेंगे जिससे हम सब मिलके ये पहले ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या मानती है समय जैसा बदल क्या तनाव? बिल्कुल बिल्कुल आजकल की जो दुनिया है पहले लोग इतना तनाव में नहीं रहते थे आजकल क्या है मेहनत कम करके जल्दी अचीवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आदमी किसी स्तर तक के भी जा सकता है तो उस चीज को कम करने के लिए तनाव को कम करने के लिए और उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो समय तो लगेगा इसमें ऐसा नहीं कि बस दो दिन खेले और कूदे तीसरे दिन उनको मेडल मिल गया। तो जो हाई लेवल के जो खेलने के लिए उनको निरंतर प्रयास करना है उनको मानसिक रूप से तैयार करके उनको परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए उस लायक बनाना है। आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा और जैसे कि
विश्वविद्यालय में या संभाग में ये अतिश्रोक्ति नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जरूर बातें करते हैं, लेकिन सेमिनार के रूप में, संगोष्ठी के रूप में इस प्रकार आयोजन शायद ही पहला है। इसके लिए हम लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि आकाश जी ने कहा, उनका ये 11th सेमिनार है, उसके लिए भी बहुत बधाई। उनका स्थापना दिवस है, उसके लिए भी बहुत बधाई। और कविता जी को भी हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित है, उनको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई देते हैं। अध्यक्ष और उद्बोधन प्लस माइनस दोनों ही रहता है, एडवांटेज भी रहता है, क्योंकि आप सबको सुनने के बाद बोलते हैं। डिसएडवांटेज